चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जब चुनाव में जब हाथ जोड़ा है पैर पूछे फिर ना करता कोई बात। तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, 10 साल हो गए हुए झांके नहीं इधर को। इसमें रात घंटे बारिश पड़ गई तो तुम निकल के नहीं जाने के इस रोड पे से पानी भर जाता है, इतना इतना पानी हो जाएगा। यहाँ जो चीज होनी चाहिए सबसे पहले मेरठ में वो चीज आज तक हुई नहीं। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश जिले के मेरठ में अभी है और मेरठ का ये शेरगढ़ी इलाका है। मैं आपको बता दूं कि मेरठ में महापौर के चुनाव को लेकर बहुत सारे उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा से यहाँ हरिकांत अहलूवालिया जी है और बसपा से असमत अली जी और सपा से यहाँ चुनाव लड़ रही है सीमा प्रधान। तो इनके अलावा और भी कई सारे उम्मीदवार यहाँ मेयर पद के लिए मैदान में हैं। हम यहाँ के शेरगढ़ी के लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मेयर पद के चुनाव को लेकर जिला मेरठ में क्या हाल है, क्या हलचल अभी चुनाव को लेके हो रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रविंद्र शेरगढ़ी है। जी रविंद्र जी, क्या लग रहा है, क्या हलचल है अभी चुनाव को लेकर मेरठ में? चुनाव की हलचल जहां हम बात करें, सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि भैया आप इतनी दूर से चल करके हमारे शेरगढ़ी के अंदर आए हैं। आपका समस्त शेरगढ़ी वासी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जहाँ आप बात कर रहे हैं मेयर प्रत्याशी की, तो मेयर प्रत्याशी में पिछले कई बार से जो है यहाँ पर BSP सर्वोपरि रही है और चूँकि 3.5 लाख वोट यहाँ पर SC समाज का है और 4 लाख वोट इसमें मुस्लिम समाज का है, तो उस हिंदू मुस्लिम SC और प्लस का ये हो जाता है तो 7.5 लाख वोट हो जाता है। तो इस पर काबिज तो अभी BSP ही है। बेशक चाहे कोई अपना झूठा वादा करता रहे जी हम इसको काबिज कर रहे हैं, बाई चांस 1% कोई चूक हो जाती है प्रशासन से तो इस पर कोई अदरवाइज कुछ और हो सकता है, न तो ये BSP का गढ़ और BSP ही इस पर काबिज रहेगी। आप कोई इस तरह की कोई और आवश्यकता जनता के लिए आप चाहते हैं कि क्या अभी होना चाहिए, किस रूप में आप देख रहे हैं कि इस तरह के काम अभी भी बाकी है मेरठ में जो आम जनता के लिए होने चाहिए एक तरीके से शहर के मामले? सबसे पहले अगर जो हम बात करते हैं मेरठ की जनता की जहाँ हम बात करते हैं, सबसे पहले तो एजुकेशन पर होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपके जितने भी स्कूल हैं यहाँ से सरकारी स्कूल जितने भी हैं उनकी हालत बड़ी खस्ता है। उन पे सभासद मेयर कोई भी आ जाए, किसी पार्टी के भी आ जाए, मगर सबसे पहले अपना एजुकेशन पर उसको ध्यान रखना चाहिए। गली गलियारों की बातचीत ये है, अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं कि जो ज़्यादा खंडित पड़ी हुई हैं और उनकी दुर्दशा ज़्यादा ही ख़राब है, जो हमारे क्षेत्र में लगे हुए आसपास के गाँव हैं नगर निगम में। तो मैं तो यही चाहूँगा जो भी प्रत्याशी आ रहा है इसमें मजबूताई के साथ में काम करे और अपना मेरठ को खुशहाल बनाए और स्वच्छ बनाए। मेयर चुनाव है आपके यहाँ मेरठ? जी बिल्कुल है। क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं मेरठ चुनाव? जो है BSP की सीट यहाँ से निकल रही है, दलित और मुस्लिम समीकरण में ला के इस सीट को निकाल रहे हैं, लेकिन और भी पार्टी दावेदारी कर रही है पर वो गठबंधन से भी हैं पर दलित मुस्लिम का समीकरण मिलाकर ना ये सब फेंकी पड़ जाएंगे उनके साथ। हसमत मलिक हाथी से हैं, उनकी सीट निकल लेगी, दलित और मुस्लिम की सीट मिला। शहर में सुविधाएं कैसी हैं आपके यहाँ? अभी तक तो कोई सुविधा दिखाई नहीं दे रही, बहुत सारी शहर की चीज़ें होती है, साफ सफाई का मुद्दा होता तो आज तक किसी ने करी ही नहीं। जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद क्षेत्र मेरठ से बाद में बना और वो बढ़िया हो गया। बागपत है, बागपत सबसे लास्ट में बना, वो सबसे सक्सेसफुल हो गया और मेरठ वहीं का वहीं है। जो चीज़ होनी चाहिए सबसे पहले मेरठ में वो चीज़ आज तक हुई नहीं। क्या चीज़ होनी चाहिए? जैसे कि सुंदरतापन सबसे पहले यहाँ हो जानी चाहिए थी, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहीं का वहीं है। चलिए शहर बढ़ रहा है जैसे, और कहीं ना कहीं साफ सफाई का एक बड़ा मुद्दा होता है शहरी इलाके में, कूड़ा जो इकट्ठा होता है उसके लिए कोई सुविधा है? प्लांट जो लगे हुए हैं अब देख लो जाके बिजली बम्बे पर कितना पहाड़ के पहाड़ 5-6 दिन नजर आ रहे हैं। संजय भाई, चुनाव है, मेयर चुनाव है आपके यहाँ, क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल अभी मेरा? देखो जी माहौल तो बता रहे हैं इस टाइम साइकिल का जो सुनने में आ रही है, तो साइकिल का बता रहे हैं, साइकिल गठबंधन से। गठबंधन तो आप किस तरह से देखते हैं शहर को, क्या दिक्कतें नजर आती है अभी? बहुत सारे कई सालों से मेयर होते आए हैं मेरठ में, अभी आप कैसे काम देखते हैं कि क्या चीज़ें होने चाहिए? काम यही है, सड़क हैं, नाली हैं, खरंजे हैं, जल भराव की समस्या है, यही है। और क्या है, काम ठीक होने चाहिए, कोई सी पार्टी आओ, साइकिल हो चाहे हाथी हो चाहे BJP हो। चलिए अपनी तरफ से आप क्या सुविधा चाहते हैं जनता के लिए जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो, मेयर से जो आती है?
जो मेयर से सब ये सुविधा सबको जो भी है सब मिलनी चाहिए, सड़क नाली खरंजे जो भी सुविधा है वो सबको सब मिलनी चाहिए, टाइम पे सब काम हो, विकास हो। जैसे आप तो बाजार में बैठे हैं, पानी निकासी वगैरह की? पानी की निकासी, पानी की दिक्कत है, निकासी की पानी भर जाता है जब बारिश होती है, तो इस तरह की समस्याएँ हैं। हाँ जी, समस्या है, बरसात में बहुत दिक्कत होती है। क्या नाम आपका? अच्छा जी, आपके यहाँ चुनाव है, नगर निगम चुनाव है, क्या कैसे देख रहे हैं, किसको बना रहे नगर निगम के पार्षद? किताब वाला बनाएगा। किताब वाला? हाँ। अच्छा, तो जो बड़े बड़े मेयर होते हैं, मेयर किसको बना रहे हो? वो सारे लोग हैं, साइकिल वाले। साइकिल वाले, अच्छा चलिए। और भी लोग हैं, बसपा भी है, भाजपा भी है, उनको कैसे देखते हैं, उनका कुछ रहेगा या नहीं, या साइकिल वाले साइकिल ही चलेगी? नहीं रहेगा, क्यों ना, जो ज़्यादा है उसके लिए तो। अच्छा, सुविधाएं कैसी है आपके शहर की? अच्छी है, इधर तो साफ सफाई रहती है गलियों में ना। सड़कें? सड़क साफ रहती है पर गलियां साफ ना रहती। अच्छा, पानी वगैरह की निकासी हो जाती है गलियों से, बरसात जैसे आती है पानी वानी भरता है? पानी भरा रहा है, कौन सफा कर रहा, जब चुनाव में जब हाथ जोड़ा है पैर पूछे फिर ना करता कोई बात। तो आप कैसी सुविधा चाहते हैं अपने शहर में? हम तो सफाई चाहते हैं, पब्लिक इतना निकलेगी, रास्ता साफ रहना चाहिए, सफा रहना चाहिए, बिल्कुल बेकार रहे। क्या नाम आपका? श्रीकांत। श्रीकांत भाई, चुनाव है आपके यहाँ, मेयर चुनाव है, किसको बना रहे मेयर इस बार? भैया मेयर तो यहाँ से सफा वाला बनना है, अतुल प्रधान के भाई, सीमा प्रधान। सीमा प्रधान? हाँ जी बिल्कुल। और भी पार्टियाँ है, बसपा भी है, पार्टी है, पर हमारे तो कहीं सुनवाई है ना, कोई भी बन जाओ, हमारे तो कोई सुनवाई है ही नहीं। एससी वालों के लिए कोई नहीं है, साले कल भी मरेंगे आज भी मर रहे, सुनवाई नहीं है कुछ भी। लेकिन आप एससी वालों की अपनी पार्टी है, बीएसपी पार्टी है भैया, कुछ नहीं है सुनवाई कहीं भी, सुनवाई नहीं। जब तक मायावती थी तो थोड़ी सुनवाई थी, अब तो कुछ नहीं है, जब से मायावती गई है जब से हमारी कोई सुनवाई नहीं है। चलिए, शहर की सुविधाएं कैसी है? सुविधा देख लो, अब ऐसी है यहाँ पे, सड़के वड़के ठीक रहती है, कहाँ रह रही, अब चुनाव के टाइम पे हो रहा है, इस टाइम काम देख लो गली में तुम, कैमरा घुमा के, चुनाव के टाइम पे हो रहा है, वैसे चक्कर काटते रहो कुछ नहीं होता। हमारा पार्क है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, इतने अप्लीकेशन दिए पर कुछ नहीं हुआ कभी भी, अब इस टाइम काम लग रहा है कि चुनाव का टाइम है तो अब इस टाइम कर रहे हैं, वो भी एक दो गली करेंगे फिर उसके बाद शांत, 11 तारीख के बाद कोई नहीं आने का इधर। चलिए, बहुत सारे काम होते हैं अलग अलग मेयर के हाथ में, जैसे लाइब्रेरी वगैरह की व्यवस्था करना, पार्क, स्टेडियम, ये इस तरह की सब होता है, पर स्टेडियम वगैरह है कुछ नहीं, यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, स्टेडियम तो बहुत दूर के बाद। मैं आपकी आपकी जैसे आप कह रहे हैं गलियों की बात कर रहे हैं, सड़कों की, बरसात होती है तो पानी की व्यवस्था? पानी क्या, इसमें अगर रात घंटे बारिश पड़ गई तो तुम निकल के नहीं जाने के, इस रोड पे से पानी भर जाता है, इतना पानी हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी जैसे चुनाव की बारिश में, बस जैसे चुनाव है अभी, तो लोग ये चीज़ें समस्या नहीं देखते, लोग कोई नहीं देखते यहाँ, इस टाइम जो चुनाव कर रहे हैं सीधी सी बात है, मौज मस्ती कर रहे हैं, चुनाव के बाद कोई किसी को कुछ नहीं पूछने का। जी, आपके यहाँ मेयर पद के चुनाव हो रहे हैं, अच्छा। क्या लग रहा है, किसको बना रहे मेयर इस बार? भैया देख, पता नहीं कौन सा मेयर होगा, वोट अच्छा। देने वाले हम तो अभी तो आप वोट दे गए तो बनाओगे, कहते नहीं हम तो वोट देने वाले, हमें पता कौन कौन मेयर होगा बताओ। अच्छा, सुविधाएं कैसी है आपके इलाके की? भैया हमारे तो ऐसी है, कबाड़ सबाड़ पड़े रहे हैं, साफ सफाई होती है? ना होती सफाई से। आपके लिए कोई सुविधाएं है ऐसी, महिलाओं के लिए कुछ सुविधाएं अलग से? कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं। तो क्या चाहते हैं आप, किस तरह की सुविधा हो आप जैसे, पेंशन वगैरह कुछ होनी चाहिए, सड़क बननी चाहिए बढ़िया। क्या नाम? अजीत वर्मा जी। अजीत साहब, क्या लग रहा है मेयर चुनाव है जी, किसको बना रहे मेयर? मेयर देखो, बनाने की तो बात है, विजय जी हमारे पहले मेन मुद्दा हैं, और मेयर का तो आपको पता ही है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, 10 साल हो गए हुए झांके नहीं इधर को, और जो जी अतुल जी हैं वे साथ दे रहे हैं आपके लोगों का इधर का, वो आए हैं, उनका स्वागत किया गया है बहुत अच्छी तरह से, और जो आप बंदे सोच रहे कि काम नहीं होने का, वो आपके काम होकर दिखाएगा। पिछली उसमें काम नहीं रहा हुआ, काम के तरीके से काम नहीं हुआ, तो स्थिति क्या है? आप स्थिति अभी बिल्कुल बेकार है, आप देख लो पानी भर जाता है बरसात में, घर में मेरा घर है यहाँ आस पास में ही है, 2 कदम चल के देखना, इतना पानी घोटों तक पानी आ जाता है, हमने काफ़ी शिकायत करी है, वो भी नहीं हो पाई है। अच्छा। एक पूरे पूरी शेरगढ़ी का पूरा गढ़ है, गढ़ का मतलब यह है पूरे घरों में पानी भर जाता है यहाँ, लोग बाग जो गरीब व्यक्ति हैं वो नहीं सहन पा रहे, एक नाला है, एक नाले के सरकार दिया डीएम तक के ऊपर तक पहुँचाया है, किसी ने सुनवाई नहीं की, जो कि एक नाला दूसरा बनने के लिए तैयार था वो भी रोक दिया गया है, ऐसे राज्य में बताओ क्या होएगा।
ऐसी समस्या आप कह रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर समस्या होती है, हर आदमी परेशान हो जी जी हर आदमी परेशान। तो ये क्या चुनावी मुद्दे नहीं बन पाते? नहीं, चुनावी मुद्दों में दबे रह जाते हैं, ये मुद्दे चुनावी मुद्दे में दबे रह जाते हैं। चुनाव के सामने तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वादे बहुत होते हैं, उसके बाद में कोई काम नहीं होता है। तो क्या चाह रही जनता? मेरे जनता ये चाह रही है जो काम करेगा उसे सफलता बनाएगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम टीटू है। टीटू भाई कैसे देख रहे हैं मेयर चुनाव है आपके? मेयर चुनाव है जो यहाँ पे हमारी जो स्थिति है सब चीज़ें, यहाँ बसपा की वोट है और किसी की वोट नहीं है, और जो हमारे बिछड़े हुए हैं इंगे तिंगे जो बात कर रहे हैं वे तो होती रहे हाथ में मन मुटाव है, लेकिन यहाँ सबसे वोट जो है सबसे ज़्यादा बसपा की है। पहले भी मेयर बसपा से ही थे? हाँ बसपा से थे, बहुत अच्छे काम हुए हैं, उसके बाद बन की सरकार तो मेयर किसी और का और सभासद किसी और की काम नहीं हुए हैं। अच्छा, और भी लोग मैदान में हैं भाजपा से गठबंधन से? हाँ सब हैं, गठबंधन में आजाद समाज पार्टी भी है, बसपा भी एक तरफ है, तो ये आपको नहीं लगता ये वोट कटेगा, इससे नुकसान होगा? नुकसान तो है ही, वोट तो कटनी है, आपस में तो घर में चार भैया हुए हैं, तीन लड़ाई एक दूसरे से तो हो गई है, चार भैयों की शादी ना हो और एक की शादी हो, एक चुटिया वो सबको नाश करवाता है, तो ऐसी केस हमारी उसमें हो रहा गए हो गाँव में कि आपस में लड़वा दो इन्हें दूसरा जीत जाएगा, ये केस हो गए हैं। मेयर कोई भी हो, आप ऐसी कौन सी सुविधा चाहते हैं अपने शहर के लिए जो सबके लिए अच्छी साबित हो? भाई हमारे गली मोहल्ला साफ रहना चाहिए, कूड़ा कचरा नहीं होना, जैसे पड़ा है धूल धुआं मक्खी ना बिनके, हर आदमी अपने उसमें नाली खरंजे बनते हैं, इन पर लड़ाई होती है, औरतों की भी नालियों पर लड़ाई होती है, रोज़ सुबह को कौन करा मेरे घर के सामने कौन गिर गया, ये लड़ाई घर से ही चलती हुई चल लिया हमें, जो ये सफाई रहेगी तो लड़ाई झगड़ा होने का नहीं घर में। हम लोग जिला मेरठ में थे और जिला मेरठ का ये शेरगढ़ी इलाका है जहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग प्रत्याशी को लेकर जुड़े रहे। सीसीए से उत्तर प्रदेश तक आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।